हेलो दोस्तों, जहाँ तक आप अभी फिलहाल में लेटेस्ट न्यूज निकल गया ये कि टिकटॉक हो गया है इंडिया में बैन। उसके साथ ही 59 एप्लीकेशन इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। जी हाँ, इसकी रीजन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रीजन दिया है भैया, सिक्योरिटी का। जी हाँ, उनका कहना है कि जैसे ये फिलहाल में मामला चल रहा है बॉर्डर को लेकर चाइना के साथ लेके, तो उससे साइबर अटैक होने के पूरे पूरे चांसेस है इंडिया पे, और 130 करोड़ लोगों का डाटा हो सकता है खतरे में। और जहां तक है ये सही भी है भैया, क्योंकि कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर थर्ड पार्टी को कोई भी अपना डाटा ये एप्लीकेशन दे देती है। इसी वजह से ये 59 एप्लीकेशनों को इंडिया में बैन कर दिया है। अब एक सवाल निकल के आ रहा है, जहां तक बात है 59 एप्लीकेशन की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनमें जो कुछ दो तीन बड़ी एप्लीकेशन है उनकी बात करें तो जी हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसे बंद होने से। जिनमें से टिकटॉक की बात कर लेते हैं, तो अन्य आपको बात करूंगा कि उसके चांसेस क्या है दोबारा, और क्या ट्विटर अकाउंट हैंडल से टिकटॉक ने इंडिया ने अभी ट्वीट किया है, जिससे कि लग रहा है कि हाँ ये टिकटॉक आ सकता है वापस मार्केट में, और प्ले स्टोर पे ये भैया अवेलेबल हो सकता है दोबारा से। तो सारी ही बातें जानने के लिए बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें, काफी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको पता है, रिसेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन टेक्नोलॉजी ने काफी बड़ी एक पहल की है, और इंडिया में जो 59 एप्लीकेशन है चाइना के उन्हें कर दिया है बैन। इनके साथ एक टिकटॉक भी हो गया है बैन। अब इसकी बात कैसे लग रहा है, ट्विटर अकाउंट हैंडल पे इन्होंने, टिकटॉक इंडिया ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी मीटिंग हो रही है, मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी इंडिया का 130 करोड़ लोगों के डाटा का कहीं भी कोई मिसयूज नहीं होने देंगे, ना ही किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेंगे या देंगे, और ना ही चाइना को या किसी को भी हम देंगे। ये भरोसा दिलाने के लिए वो मीटिंग करने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ ही दिन में ये मीटिंग हो जाए। अब इसकी बात करो तो भैया, टिकटॉक बंद होना इतनी जल्दी और इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके काफी ही मिलियंस ऑफ यूजर इंडिया में है और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है सोशल मीडिया पर। इसी को देखते हुए इसके कुछ चांसेस हैं अगर मीटिंग में बात बनती है, और जहां तक मेरे को लगता है ये वापस टिकटॉक आ सकता है। लेकिन भैया, मैं अब भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा सेफ रहें, इन जितनी भी बाहर की एप्लीकेशन है थोड़ा डाटा बचे इन्हें यूज करने से, क्योंकि कभी भी थर्ड पार्टी को ये भेज सकते हैं अपना डाटा। तो इसी को देख के ये अपडेट निकल गई है कि टिकटॉक के चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है मार्केट में दोबारा दस्तक दे दे टिकटॉक। जी हाँ, और प्ले स्टोर पे आप वापिस जाके इसे डाउनलोड कर सकें। तो इसके ऊपर एक बड़ी न्यूज निकल के आई है। अब देखते हैं ट्विटर अकाउंट हैंडल से उनकी तरफ से कोई सी भी एक इन्फॉर्मेशन आती है टिकटॉक इंडिया की तरफ से, तो मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलते रहे। थैंक यू।